हेलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकेंड सीज द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ए बाय बी प्लस ए इंटू ए प्लस वन बाय बी इंटू बी प्लस वन प्लस ए इंटू ए प्लस वन ए प्लस टू डिवाइडेड बाई बी बी प्लस वन बी प्लस टू एंड सो ऑन ठीक है कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है पहला काम तो हमारा हमें एनथ टर्म पता होनी चाहिए एनथ टर्म बहुत इजी है इसकी ए ए प्लस वन ए प्लस टू अप टू कहाँ तक चलेगा ए प्लस एन माइनस वन तक क्यों क्योंकि देखो सेकंड टर्म है तो वन ऐड हुआ है थर्ड टर्म है तो टू ऐड हुआ है तो एनथ टर्म में एन माइनस वन ऐड होगा क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म है तो एक कम ऐड हुआ है सेकेंड टर्म में एक कम ऐड हुआ हुआ है ठीक है सेकेंड टर्म में वन ऐड हुआ है थर्ड टर्म में टू ऐड हुआ है थ्री से टू मतलब एक कम है तो एन एथ टर्म में एन माइनस वन आ जाएगा सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी बी प्लस वन बी प्लस टू अप टू सॉन बी प्लस एन माइनस टू तक एन माइनस वन तक ठीक है फिर एन प्लस वन एथ टर्म निकाल लेंगे एन को रिप्लेस करके एन प्लस वन से ठीक है तो अब क्या करना है रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया डिवाइड किया तो ये मेरी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी बी प्लस वन बी ये सारा इससे ठीक है ए प्लस वन ए प्लस टू ये सारा मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा ठीक है वी हैव लेफ्ट विद बी प्लस एन बाय ए प्लस एन यहाँ से हम एन कॉमन ले सकते हैं एन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एन से एन मेरा कैंसल आउट वन प्लस बी बाई एन प्ल डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बाई एन लिमिट लगाई एन टेंस टू इन्फिनिटी देन वन प्लस बी बाई एन प्लस डिवाइडेड बाई वन प्लस ए एन ये भी टर्म जीरो ये भी जीरो तो क्या बच गया ओनली वन uh, तो हमारा एल क्या आ गया वन मिट मीन्स डी एल नंबर्ट रेशो टेस्ट से टेस्ट मेरा क्या हो गया फेल हो गया रेशो टेस्ट फेल होते ही हमने कहाँ जाना है राबिस टेस्ट के पास राबिस टेस्ट क्या कहते हैं ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में से एक कम करना है ठीक है तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन ठीक है एलसीएम लिया तो सॉल्व करके क्या आया बी माइनस ए अपॉन ए प्लस एन ठीक है फिर एन से मल्टीप्लाई करना है एन से मल्टीप्लाई करते ही लिमिट लगानी है एन से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर से हम एन कॉमन ले सकते हैं ताकि ये मेरा एन कैंसिल आउट हो जाए तो हम मेरे पास क्या बचेगा बी माइनस ए बाई वन प्लस ए बाई एन एन से एन कैंसिल आउट तो बी माइनस ए लिमिट लगाएंगे ये टर्म मेरी ज़ीरो ठीक है क्या बच गया बी माइनस ए एल मेरा क्या आ गया बी माइनस ए तो रबिज़ टेस्ट क्या कहता है कि जब जब मेरा एल ग्रेटर देन वन होगा मीन्स बी माइनस ए ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगा और बी माइनस ए लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट होगा इट मीन्स जो मेरी सीरीज गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है फोर बी ग्रेटर देन ए प्लस वन के लिए और डाइवर्जेंट है बी लेस देन ए प्लस वन के लिए ठीक है अब हमें दिक्कत आएगी जब मेरा एल क्या हो वन ठीक है एल वन के लिए मतलब बी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए इज इक्वल्स टू वन पे क्या होगा ठीक है तो यहाँ वन पे हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है तो बी यहाँ से बी की वैल्यू क्या ए प्लस वन तो हमारा पहला काम क्या है बी की वैल्यू पुट करनी है एनथ टर्म में ठीक है एनथ टर्म क्या है मेरे पास ए ए प्लस वन अपू ए प्लस एन डिनोमिनेटर में बी वाले टर्म्स हैं बी की जगह आपको क्या पुट करना है ए प्लस वन तो यहाँ पे बी की जगह ए प्लस वन बी प्लस वन तो ए प्लस टू हो जाएगा बी की वैल्यू रख दी ऐसे ही बी प्लस एन माइनस वन था तो बी की वैल्यू रखी मेरे पास क्या बचा ए प्लस एन ठीक है तो सारी टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या बचेगा फर्स्ट टर्म बाय में लास्ट टर्म देन वी हैव ए बाय ए प्लस एन ठीक है तो अब एनथ टर्म क्या आगे डिनोमिनेटर से मैं एन कॉमन ले सकती हूँ ए बाय एन कॉमन लिया वन प्लस ए बाय एन ठीक है अब आपके पास एनथ टर्म ये बन गई अब इस एनथ टर्म की आपको कन्वर्जेंस देखनी है मतलब सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस देखनी है तो अब नीचे हमें पता है जब एन ऊपर तो कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी या नीचे आपके पास एन की पावर्स हैं ठीक है तो आप बी एन ऐसा चूज कर सकते हो पावर इक्वल करने के लिए तो वन बाय एन मैंने चूज किया मुझे पता है स्मेशन बी एन क्या है आपका डाइवर्जेंट है स्मेशन बी एन मतलब स्मेशन वन बाय एन पी टेस्ट से ये क्या है डाइवर्जेंट है कब आना क्या चाहिए ए एन बाई बी एन की लिमिट नॉन ज़ीरो आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए तभी हम कहेंगे ना ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम है तो हमने बी एन चूज़ किया वन बाई ए एन सो दैट लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन क्या आया मेरे पास ए अपॉन वन प्लस वन ए बाई एन आ गया ठीक है ये आ गई ना वैल्यू अब इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा ए अपौन वन प्लस जीरो मीन्स मेरे पास लिमिट क्या आ गई ए आ गई ठीक है ए हमें स्टेटमेंट में गिवन है ग्रेटर देन जीरो और हमें पता है ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन जीरो है और कैसा नंबर है फाइनाइट नंबर है ठीक है अब हमें पता है बाय कंपैरिजन टेस्ट ए एन अपॉन बी एन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ जाती है तो स्मेशन ए एन और स्मेशन बी एन वाली सीरीज का बिहेवियर सेम होता है ठीक है बिहेव लाइक मीन्स दोनों कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर होंगे इट मीन्स अगर बी एन मेरी कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ ए एन भी कन्वर्जेंट होगी सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ ए एन भी डिवर्जेंट होगी ठीक है तो बी एन का मुझे पता है कि वो डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट देन वी सेट से स्मेशन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट फोर किस केस के लिए हम काम कर रहे थे बी इक्वल्स टू ए प्लस वन के लिए ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड uh, पार्ट था सिमिलरली आपके पास थर्ड uh, का फर्स्ट पार्ट है ठीक है उसमें भी सेम है लगभग वन सीरीज के दिखे वन बाय प्लस अल्फा बाय बीटा अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बाय बीटा इंटू बीटा प्लस वन ठीक है फिर अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू बाय बीटा प्लस बीटा वन सारा ही सेम है क्वेश्चन सिर्फ आपके ये स्केलर्स चेंज कर दिए और टर्म्स चेंज कर दी ठीक है तो एन एनथ टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी वो आपका ए बाई बी से शुरू था ये आपका वन से शुरू है बस कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है तो एनथ टर्म क्या बनेगी फर्स्ट टर्म लीव कर दोगे तो ए अल्फा प्लस एन माइनस वन और बीटा प्लस एन माइनस वन ठीक है तो ये आपकी एनथ टर्म आ गई एन प्लस वन एथ टर्म फाइंड आउट करेंगे फिर ए एन अपने एन प्लस वन सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हम थर्ड का सेकेंड पार्ट कर रहे थे ठीक है वहाँ पे बीटा की जगह पे बी था और अल्फा की जगह पे ए था ठीक है तो लिमिट लगाई वन आया वन आते ही मुझे पता है रेशो टेस्ट फेल हो गया फिर हम क्या करेंगे राबिज़ टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे रबिज़ टेस्ट लगाया तो मेरे पास लिमिट क्या आ गई बीटा माइनस अल्फ़ा वहाँ बी माइनस ही आई थी तो वही कन्वर्जेंट कब होगा जब बीटा माइनस अल्फ़ा ग्रेटर वन होगा मींस बीटा ग्रेटर अल्फ़ा प्लस वन होगा डिवर्जेंट कब होगा जब बीटा माइनस अल्फ़ा लेस देन वन होगा मीन्स बीटा लेस देन वन प्लस अल्फ़ा होगा अब आपको चेक करना है जब बीटा माइनस अल्फ़ा वन के इक्वल होगा तो क्या होगा ठीक है बीटा को बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे एनएथ टर्म में ठीक है एनएथ टर्म चाहिए होती है ना तो एन टर्म में बीटा की वैल्यू पुट करोगे बीटा की वैल्यू यहाँ पे वन प्लस अल्फ़ा वन प्लस टू प्लस अल्फ़ा ये टर्म्स आपकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी सिर्फ आपके पास बचेगा क्या अल्फा ओवर बीटा प्लस एन मतलब अल्फा प्लस एन ठीक है तो आपके पास ये बन जाएगा एनथ टर्म आ जाएगी बीटा ओवर बीटा प्लस आ, एन सॉरी अल्फा एनथ टर्म क्या आएगी अल्फ़ा ओवर अल्फा प्लस एन ठीक है तो इसके लिए आपको एन की पावर वन है तो बी एन चूज करना होगा बी एन आपका वन बाय एन होगा ये डवर्जेंट है तो ये भी डवर्जेंट हो जाएगी कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो ये थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड सेम है क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है ठीक है बस अल्फा बेटा की जगह ये भी दिया हुआ है और फर्स्ट हम लीव कर देनी है ठीक है तो अब है हमारे पास फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या कहते हैं कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है वन प्लस वन बाय टू इंटू एक्स स्क्र बाय फोर प्लस वन इंटू थ्री इंटू फाइव बाय टू इंटू फोर इंटू सिक्स एक्स फोर बाय एट प्लस वन थ्री फाइव सेवन नाइन डिवाइड टू फोर सिक्स एट टेन एक्स सिक्स बाई ट्वेल्व अब देखो एक्स की पावर्स को देखो टू फोर सिक्स टू का मल्टीपल है तो ये तो बहुत ईजी x की पावर टू नीचे क्या है फर्स्ट टर्म को छोड़ दो सिर्फ x सबसे पहले हम x की पावर्स को अनालिस करना शुरू करते हैं ठीक है नीचे क्या फोर एट ट्वेल्व फोर का मल्टीपल है फोर एन हो गया ठीक है फर्स्ट टर्म को लीव कर देना अब आती है बारी वन थ्री फाइव सेवन नाइन के और टू फोर सिक्स एट के अब देखो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इसमें आपको टर्म्स कुछ ऐसी बनानी पड़ेंगी वन फाइव नाइन ठीक है वन फाइव नाइन के एने्थ टर्म आपके पास क्या आएगी फोर एन माइनस थ्री ठीक है फिर थ्री नाइन ऐसे ही नेक्स्ट टर्म लौ गई थ्री सॉरी थ्री सेवन इलेवन थ्री सेवन नाइन तो हमने पहले इंक्लूड कर लिया था ना थ्री सेवन नाइन इलेवन इसकी आपके पास एनथ टर्म आएगी फोर एन माइनस वन ठीक है क्यों अब इस देखो अब जब आपके पास फोर एन माइनस थ्री और फोर एन माइनस वन आया तो जब मैंने एन को वन पुट किया फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी वन इंटू थ्री ठीक है बट फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ रही है वन आ रहा है ओनली वन आना चाहिए फर्स्ट टर्म में ठीक है वन इंटू थ्री इंटू फाइव सेकेंड टर्म है क्योंकि फर्स्ट टर्म को लीव किया ना हमने तो फर्स्ट टर्म मेरी अब ये बनेगी तो इस टर्म में ओनली वन आना चाहिए बट मेरे पास क्या आ रहा है वन थ्री आ रहा है मतलब दो ज्यादा आ रहा है फर्स्ट टर्म में थ्री आ रहा है मतलब इस वन से दो ज्यादा आ रहा है तो मुझे क्या करना है दो कम करना है तो फोर एन माइनस थ्री में से दो कम करूंगी तो मेरे पास C क्या convert हो के 4N -5 into 4N -3 आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे टर्म में थ्री ठीक है फिर ऐसे डिनोमिनेटर में टू फोर सिक्स एट टू आपको ढूंढना है टू सिक्स टेन ठीक है एक एक लीव करके हमने एनथ टर्म बनाई फोर एन माइनस टू नेक्स्ट फोर एट ट्वेल्व एनथ टर्म क्या आ जाएगी फोर एन वही एन को वन पुट करोगे तो आपके पास दो टर्म्स ज़्यादा आएंगी तो आ, दो ज़्यादा आएगा तो आपको दो कम करना होगा तो टू माइनस टू कर दिया फोर एन में से माइनस टू कर दिया तो क्या आया फोर एन माइनस फोर और फोर एन माइनस टू तो आपके पास एनथ टर्म क्या बन गई ये ठीक है अब देखो यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे भी यहाँ पे और टर्म्स हैं तो हम टू एन माइनस वन लिख दें सीधा नहीं टू एन माइनस वन लिखते हैं तो क्या होता है फर्स्ट टर्म में वन आ जाएगा सेकेंड टर्म में थ्री आ जाएगा थर्ड टर्म में फाइव आ जाएगा बट मुझे क्या चाहिए वन इंटू थ्री इंटू फाइव चाहिए फिर वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन चाहिए ठीक है तो यहाँ पे पेयर चाहिए जब आपके पास सेकेंड टर्म आई सेकेंड टर्म में नेक्स्ट आगे दो आ रहे हैं फिर थर्ड टर्म आई तो नेक्स्ट दो आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ टू टू पेयर्स वाले ही एनथ टर्म बनेंगे ठीक है तो ये आपके एनथ टर्म है बाकी क्वेश्चन आपका सेम अपन एन अपॉन प्लस वन करना कैंसिल आउट करना ठीक है ऐसे ही फोर्थ का सेकेंड पार्ट इसी एक्सरसाइज का फोर्थ का सेकेंड पार्ट एक्स लॉग एक्स एक्सर लॉग टू एक्स एक्स क्यूब लॉग थ्री एक्स अप टू एन एथ टर्म चाहिए मुझे क्या एक्स की पावर एन लॉग एन एक्स एनएथ टर्म है एन प्लस वन टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे एन को रिप्लेस करके एन प्लस वन से ठीक है फिर क्या करना है रेशो टेस्ट लगाना है एन अपने एन प्लस वन ठीक है रेशो टेस्ट लगाएंगे तो एक्स की पावर एन से कैंसिल आउट हो जाएगा ये बेस सेम है तो वन एड हुआ है तो वन को अलग कर लिया एक्स की पावर वन ठीक है लॉग एन एक्स बाई लॉग एन प्लस वन एक्स ये आ जाएगा ठीक है फिर ये इन्फिनी बाई इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है जब हम लिमिट लगाएंगे तो इस डेरिवेटिव करेंगे वन बाई एन एक्स नीचे वन बाई एन प्लस वन एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव वो ऊपर आ गया ठीक है तो मेरे पास क्या आया यहाँ से एक्स ऑलरेडी है एन कॉमन ले सकती हूँ वन प्लस वन बाई एन कॉमन आ जाएगा तो एन एक्स से एन एक्स कट गया तो लिमिट लगाने के बाद क्या बचा वन प्लस जीरो ओनली वन बाय एक्स इंटू वन बच जाएगा दैट इज़ वन बाय एक्स ठीक है तो रेशो टेस्ट से रेशियो टेस्ट से ये कन्वर्जेंट कब होगा जब मेरा वन बाई एक्स ग्रेटर वन होगा मीन्स कन्वर्जेंट कब होगा एक्स लेस देन वन होगा डाइवर्जेंट कब होगा जब मेरा वन बाई एक्स लेस देन वन होगा मीन्स एक्स ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट होगा अब आपको चेक करना है जब मेरा वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन होगा तो क्या बिहेवियर होगा मीन्स एक्स इक्वल्स टू वन के लिए आपको चेक करना है तो एन टर्म चाहिए मुझे एनथ टर्म में एक्स को वन पुट करना है एक्स की पावर न, लोग एन लॉग एन एक्स है ना एक्स को वन पुट किया तो क्या आया वन की पावर न, एन लॉग एन इन टू वन तो आपके पास क्या बचा लॉग एन ठीक है तो अब इस पे लिमिट लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी लगाया तो ये मुझे इन्फिनिटी मिला तो थ्योरम नंबर थ्री पॉइंट एट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है कि अगर लॉग एन एन एथ टर्म की लिमिट नॉन जीरो आ जाती है तो मेरी सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट मीन्स दैट इज डाइवर्जेंट फोर एक्स इक्वल्स टू वन के लिए ठीक है यहाँ पर एनएथ टर्म से ही हमें बिहेवियर पता चल गया तो हमें ए एन अपॉन एन प्लस वन पे नहीं जाना पड़ा ठीक है अगर एनथ टर्म से हम इजिली कंक्लूजन ना निकाल सकते तब हम ए एन अपॉन एन प्लस वन में एक्स को वन रखते वहाँ से चेक करते बिहेवियर ठीक है राबिस टेस्ट लगाते जब जब हमें एनथ टर्म से बिहेवियर पता करना इजी हो जाए ठीक है पुट करके तो हम सीधा सॉल्व करेंगे थ्योरम का यूज करके अदरवाइज राबिस पे जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट फिफ्थ का सेकेंड पार्ट कहते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए प्लस टू एक्स बायू फैक्टोरियल स्क्वेर भी है ए प्लस थ्री एक्स का क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल अप टू एनएथ टर्म क्या बनेंगे फर्स्ट टर्म में वन मल्टीप्लाई होगा सेकंड में टू थर्ड में थ्री और एनएथ टर्म में एन मल्टीप्लाई होगा पावर यहाँ पावर वन थी टू थी एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एनएथ टर्म निकालने बहुत ईजी है इसकी ठीक है एन प्लस वन एथ टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे एन प्लस वन एथ टर्म क्या आएगी ए प्लस एन प्लस वन एक्स के अपॉन पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल ठीक है डिवाइड करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे ए प्लस एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल ये ऊपर आएगा इसको मैं खोल सकती हूँ एन प्लस वन फैक्टोरियल को ठीक है माइनस वन करके एन फैक्टोरियल तक चलेगा क्योंकि एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल हमें कैंसिल आउट करना है देन नीचे हाँ क्या आ जाएगा ए प्लस एन एक्स प्लस एक्स होल पावर एन प्लस वन अब मेरे पास क्या बचा एक तो एन प्लस वन बच गया और दूसरा ए प्लस एन एक्स की पावर एन यहाँ से एन मैं बाहर ले सकती हूँ एन के साथ एक्स भी ले लो एन एक्स की पावर एन बाहर आएगा अंदर क्या बचा वन प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय यहाँ से भी हमें एन एक्स कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तो ये मेरे पास क्या था ए प्लस एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन तो एन प्लस वन इंटू एक्स बाहर ले लो एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन बाहर आएगा तो अंदर क्या रहा वन प्लस ए अपॉन ए एन प्लस वन इंटू एक्स ठीक है अब पावर को अलग अलग कर सकते हैं एन प्लस वन की पावर एन हो गया ठीक है एन प्लस वन था ना तो एन इंटू एक पावर ए और यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन था तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स ठीक है अब हम कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ एन एक्स की होल पावर एन था तो इसका मतलब एन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन तो एन की पावर एन काटने के लिए मुझे एन की पावर एन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा मुझे, मुझे यहाँ से यहाँ से मैं एन कॉमन लूंगी तो बाहर क्या आएगा एन की पावर एन इंटू वन प्लस वन बाय एन की पावर एन ठीक है ये कट जाएगा एक्स की पावर एन भी कैंसल आउट हो जाएगा एन प्लस वन भी कैंसल आउट हो जाएगा बचा क्या मेरे पास वन प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर एन अपॉन वन प्लस वन बाई एन की पावर एन इन में वन प्लस ए अपॉन एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन ठीक है इंटू में ये एक्स की पावर वन अब लिमिट लगानी है लिमिट लगानी है तो वन प्लस वन बाय एन की पावर एन ई होता है जो भी यहाँ पे आएगा वो सिर पे चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो वन प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ ए अपॉन एन एक्स है ना तो ए बाई एक्स अपॉन एन की पावर एन लिख सकती हूँ तो ये क्या आएगा ई e की पावर ए बाई एक्स देन वेन लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या ई e की पावर ए अपॉन एक्स ऐसे ही ये ई e आ जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ ये एक्स मेरा कहाँ चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में तो क्या आया ई e की पावर ए बाई एक्स में एक्स एकी पावर ए बाई एक्स कैंसल आउट हो गया बचा क्या वन बाई ई एक्स अब एल क्या आ गया वन बाई ई एक्स कन्वर्जेंट सीरीज मेरी बाई टेस्ट कन्वर्जेंट कब होगी जब मेरा एल ग्रेटर देन वन होगा मीन्स मेरा एक्स क्या आएगा लेस देन वन बाई ई ठीक है ई एक्स को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे डिवर्जेंट कब होगा जब मेरा एल लेस देन वन होगा मीन्स एक्स मेरा वन बाई e. अब जब मेरा एल वन होगा मतलब ई e एक्स मेरा वन होगा तब क्या होगा मीन्स एक्स इक्वल्स टू वन बाई ई होगा तो मेरी सीरीज का क्या बिहेवियर होगा अब देखो एक्स को मैं वन बाई ई यहाँ पुट करती हूँ तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता ठीक है ए प्लस एन बाय ई बाय में एन फैक्टोरियल सारे की पावर एन ठीक है ऊपर भी नहीं एन नीचे भी एन एन फैक्टोरियल को खोलोगे तो भी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो रबिज टेस्ट पे ही टेस्ट क्यों वन बाई ई आ गया ना ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में ई e वाली टर्म्स आ रही हैं तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन देखो क्या रहा जब एक्स को हमने वन बाई ई पुट किया तो ई e तो आएगा ही आएगा ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इसमें पुट करो वन प्लस ए बाई एन एक्स एक्स की वैल्यू वन बाई ई तो ई e ऊपर आ जाएगा ठीक है होल पावर एन नीचे वन प्लस वन बाय की पावर एज इज वन प्लस ए बाई एक्स तो ए बाई एक्स मतलब ए ई अपॉन एन प्लस वन ठीक है पावर सेम और एक्स की वैल्यू नीचे क्या वन बाई ई जो यहाँ चला जाएगा ठीक है तो वैल्यू क्या आई मेरे पास ये सारी अब क्या लगाना ई e तो आ ही रहा है इस टर्म में तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा लॉगरिथमिक टेस्ट मतलब लॉग कहता है मल्टीप्लाई करो लॉग से लॉग से मल्टीप्लाई किया ई इंटू वन प्लस ए ई अपॉन एन की पावर एन बाय में दिस ठीक है अब लॉग एम बाय एन की प्रॉपर्टी लगाओ पहले ये सारा एम और ये सारा एन ठीक है फिर फर्दर लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाओ ठीक है ये सारी प्रॉपर्टी खुलेंगी ऊपर नीचे प्रॉपर्टी खोलने के बाद फिर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि लॉग जब इस पे लगाओगे लॉग वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन खुलेगी ठीक है एक्सपेंशन खोल के फिर आपको लॉगरिथमिक टेस्ट फर्दर करना है ठीक है ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही जाएगा तो इसको आगे ट्राई करना ऐसे ही नेक्स्ट है आपका ऐसा ही है वो भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट ये भी लॉग वाला है लॉग टू की पावर पी एक्स एक्सक्र लॉग थ्री पावर पी एक्स क्यू अप टू सॉन एन एथ टर्म क्या बनेगी देखो फर्स्ट टर्म है तो एक ज़्यादा पावर आई हुई है तो एन एथ टर्म में एन प्लस वन आएगा ठीक है और फर्स्ट टर्म में लॉ के साथ टू सेकेंड टर्म में थ्री तो एन प्लस वन यहाँ भी आएगा पावर पी रहेगी एजटेज तो एन एथ टर्म क्या क्या आ गई लॉग एन प्लस वन की पावर पी इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन एथ टर्म चाहिए तो रिप्लेस कर दो तो डिवाइड करेंगे रेशो टेस्ट के लिए तो मेरे पास क्या आया टर्म्स कैंसिल आउट करो एक्स की पावर एन कैंसिल होगा एक यहाँ से भी कैंसिल एक बच जाएगा ना जो वन बाई एक्स आ गया लॉग एन प्लस वन बाई लॉग एन प्लस टू की हॉल पावर पी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम एन कैंसल आउट ले कैंसल आउट तो नहीं कर सकते लॉग लगा हुआ है बट हमें कॉमन ले फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे ठीक है वन बाई एक्स लॉग एन कॉमन लिया तो क्या बचा वन प्लस वन बाय एन लॉग एन एन वन प्लस टू बाय एन ठीक है तो यहाँ से लॉग एम इंटू एन हो गया ना ये लॉग एम प्लस एन हो गया प्रॉपर्टी नीचे भी एम प्लस एन हो गया ठीक है अब यहाँ पे लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन लगेगी यहाँ भी एक्सपेंशन लगेगी एक्सपेंशन लेगी फिर कैंसल आउट करोगे ठीक है फिर आपके पास ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू आएगी ठीक है तो इनको दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो ये हमारे एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री के डाउट्स थे नेक्स्ट क्लास में हम फोर पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट फोर के आई थिंक डाउट हो, फोर पॉइंट फोर के डाउट हो तो सेंड करना और फोर पॉइंट फाइव हम शुरू करेंगे ठीक है